नेशनल हेराल्ड मामले में बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए अब सोनिया राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें समन जारी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया था। दरअसल ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में दोनों की पेशी के लिए कहा था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। अब हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। स्वामी ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया था। चैरिटेबल कंपनी के तौर पर रजिस्टर इस कंपनी में सोनिया और राहुल की बतौर डायरेक्टर हिस्सेदारी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दाखिल अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। स्वामी ने इस 90 करोड़ रुपए के प्रकरण में हवाला कारोबार का शक जताया है। स्वामी का ये भी आरोप है कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी जिसका अधिग्रहण यंग इंडिया कंपनी ने किया था। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले में 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले 19 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड केस में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। मतलब साफ है कि बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए ये अर्जी दी गई है, लेकिन सोनिया और राहुल ये भूल गए कि वो भी भारत के ही आम नागरिक हैं और संविधान उनके लिए भी बराबर ही है। और दूसरी बात, अगर कोई गलती नहीं की तो फिर तेजी से डर क्यों रहे हैं राहुल और सोनिया। खैर, सुब्रमण्यम स्वामी की इस निजी आपराधिक शिकायत पर आगे की सुनवाई में क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा।